इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के सेकेंड ओडीआई मुकाबले भले ही भारतीय टीम की दो विकेट से जीत हुई शानदार रोमांचक मुकाबले में, लेकिन वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज शाई होप ने भी सभी का दिल जीत लिया। जी हां, अपने 100वें वनडे मैच में शतक जड़ने वाले वेस्ट इंडीज के चौथे और दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। होप ने त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में यह कारनामा किया। उन्होंने 125 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की। होप ने युजवेंद्र चहल की गेंद पर 6 लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया इस 100वें वनडे मैच का। आपको बता दें, होप का वनडे में 13वां शतक है और इनमें से उन्होंने 12 शतक घर से बाहर लगाए हैं। घर में उनका यह दूसरा शतक है। उन्होंने अपनी शतकीय पारी के दौरान 135 गेंदों पर 115 रन बनाए। होप ने इस दौरान 8 चौके और 3 छक्के लगाए। होप को शार्दुल ठाकुर ने अक्षर पटेल के हाथों कैच जरूर कराया, लेकिन तब तक होप अपना काम कर चुके थे। होप अपने 100वें वनडे में शतक लगाने वाले दुनिया के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले गॉर्डन ग्रीनीज, क्रिस क्रेंस, मोहम्मद यूसुफ, कुमार संगकारा, क्रिस गेल, मार्कस, साथ ही साथ राम नरेश तरवन, डेविड वॉर्नर, शिखर धवन अपने 100वें वनडे में शतक लगा चुके हैं। उनसे पहले वेस्ट इंडीज के गॉर्डनर ग्रीज गेल, क्रिस गेल और राम नरेश तरवन ये कारनामा कर चुके हैं। लेकिन यादगार पारी शाई होप ने खेली, लेकिन फिर भी अपनी टीम को ये करो या मरो का मुकाबला नहीं जिता पाए, क्योंकि पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत ही चुकी थी 3 रन से। दूसरे मुकाबले पर सबकी नजरें थी, लेकिन शाई होप ने इस मुकाबले में 135 गेंदों में 115 रन बनाए, जहां उन्होंने काइल मेयर्स के साथ पहले विकेट के लिए 65 रन की पार्टनरशिप की। फिर उसके बाद श्यामरा ब्रुक्स के साथ पार्टनरशिप करते नजर आए, जहां श्यामरा ब्रुक्स ने भी 36 गेंदों पर 35 रन लगाए थे। फिर उसके बाद शतकीय पार्टनरशिप शाई होप ने निकोलस पुरन कप्तान के साथ करी 117 रन की पार्टनरशिप और टीम को एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा किया। 77 गेंदों में 74 रन निकोलस पुरन ने ही बनाए थे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर भारतीय टीम कुछ अलग ही मोड में नजर आई थी। जब शाई होप का विकेट गिरा, तब 300 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी वेस्ट इंडीज की टीम। शाई होप की दमदार शतकीय पारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम का जो मिला जुला योगदान था, यानी किसी ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन फिर भी भारतीय टीम जीत गई। धवन ने 31 गेंदों पर 13 रन, शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर 43 रन, श्रेयस अय्यर ने 71 गेंदों पर 63 रन, तो वहीं संजू सैमसन ने 51 गेंदों पर 54 रन और दीपक हुडा ने 36 गेंदों पर 33 रन। लेकिन इसके बाद जो पारी है वो मैच टर्निंग पारी थी, जिन्होंने अक्षर पटेल ने जब लास्ट में 35 गेंदों में 56 रन चाहिए थे तो इनका गियर बदला और इन्होंने 35 गेंदों में 64 रन बना दिए 3 चौके 5 छक्के की बदौलत। आवेश ने भी 12 गेंदों पर 10 रन, शार्दुल ने 6 गेंदों पर 3 और सिराज 1 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। तो कुल मिलाकर सबके योगदान से भारतीय टीम ये मुकाबला जीती। अक्षर पटेल मुकाबले के हीरो रहे, 2 गेंद पहले 2 विकेट से दूसरे ओडीआई मुकाबले में जीत दर्ज करी। लेकिन शाई होप की बल्लेबाजी की भी तारीफ हो रही है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे कठिन मुकाबले में एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और शतक लगाया और साथ ही साथ टीम को एक बड़े लक्ष्य तक खड़ा किया। लेकिन भारतीय टीम के इरादे कुछ और थे और भारतीय टीम ने धवन की कप्तानी में ये सीरीज अपने नाम कर ली। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।